Dear student, assalamu alaikum. Welcome in another video class. I am Zaid Khan of your chemistry teacher. Today we will discuss another important topic of chapter number 14, that is atmosphere. Dear student, aaj hum importance of atmosphere ko discuss karenge. इससे पहले हमने जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है डिस्कस किया था, और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हम ट्रोपोस्फेयर को डिस्कस कर चुके थे. आज हम स्ट्रेटोस्फेयर और फिर जो है इसकी इम्पोर्टेंस कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंस तक जो है पहुंच जाए. क्लियर? स्ट्रेटोस्फेयर, it is the second layer of atmosphere which is above the troposphere. Strato ka matlab hai spread out. Clear? ye layer jo hai ye troposphere ke upar hota hai. iska range jo hai 11 km se lekar jo hai 50 km tak muhit hota hai. stratosphere ko hum ozonosphere bhi kehte hain क्योंकि इसमें ओजोन जो है एग्जिस्ट करता है. क्लियर? तो फर्स्ट हम जो है डिफिनीशन की तरफ मूव करते हैं. द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. क्लियर? स्ट्रेटो का मतलब क्या है? स्प्रेड आउट. अच्छा, ये इट स्टार्ट एट द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड. कहाँ तक एक्सटेंड है? From 11 किलोमीटर to 50 किलोमीटर above the sea level, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया. इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो ओजोन होता है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज ओजोन, O3. द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर, देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर. इसलिए इसे ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं. क्लियर? अब ओजोन जो है, ओजोन नेचुरली किस तरह बनता है? ओजोन, द ओजोन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रेटोस्फेयर व्हेन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. ओजोन जब अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है और दो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है बना लेता है. और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है फिर जो ऑर्डिनरी ऑक्सीजन होती है, जो रिएक्शन दिया गया है O2 के साथ, ये एटॉमिक ऑक्सीजन या जिसे हम एक्साइटेड ऑक्सीजन भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिकुलर फॉर्म में. तो ये ऑर्डिनरी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर O3 बनाता है. ये है नेचुरल फॉर्मेशन. ठीक है? अब डियर स्टूडेंट, साथ साथ जो है जहाँ इसकी फॉर्मेशन होती है, साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी से जो है इसकी कंसंट्रेशन दिन ब दिन जो है वो डिक्रीज होती है, जिसे हम ओजोन डिप्लीशन भी कहते हैं. और ओजोन डिप्लीशन जो है या ओजोन की कंसंट्रेशन को की वजह से जो है इंसान और बाकी जो है जानदार जो है मुख्तलिफ मसलों से जो है उसका सामना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन and protect us from harmful effect of ultraviolet radiation from the sun, which can cause skin cancer and damage to vegetation. और साथ साथ जो है नबातात या पौधों को भी जो है या फसलों को भी या दरख्तों को भी नुकसान पहुँचाते हैं. क्लियर? कौन कौन सी जो हैं मेन सोर्सेज है जिससे ओजोन डैमेज होता है? द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं, जिसे हम कूलिंग गैस भी कहते हैं, रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में जो है इस्तेमाल होती है. इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल इनटू मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन एंड डायएटॉमिक ऑक्सीजन, रिजल्टिंग इन डैमेजिंग द ओजोन लेयर. डियर स्टूडेंट, ये O3 जो है ये ओजोन है, और ओजोन O3 ये CFC की वजह से, जिसमें जब ये डिकम्पोज होते हैं CFC
तो एटॉमिक क्लोरीन हासिल होता है, वो एटॉमिक क्लोरीन एस O3 के साथ कंबाइन होकर जो है इसको O2 में कन्वर्ट करती है, जिसे हम ऑर्डिनरी ऑक्सीजन कहते हैं, और CLO बनता है, क्लोरो ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, सही है। और इस तरह जो है ओजोन जो है डे टू डे एयर पोल्यूशन की वजह से जो है डैमेज होती है। नेक्स्ट, जो वेदर बलून और जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। एज द एयर प्रेजेंट इन दिस लेयर इज़ वेरी थिन, क्योंकि यहाँ पर एयर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ओजोन पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होती है। क्लियर। इस रीजन में स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर रेंज कितना होता है? -56 से लेकर जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। -56 कम है और -2 ज़्यादा है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव लैप्स रेट कहते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट और अल्टीट्यूड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉजिटिव लैप्स रेट। तो ये इसमें टेम्परेचर रेंज है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, ये इंक्रीज क्यों होती है? इसलिए कि ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब एक टेबल दिया गया है जिसमें कंपैरिजन दी गई है, कंपैरिजन जो 4 लेयर है, जो बाकी 2 डिस्कस नहीं हुए हैं, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, वो भी इस टेबल में जो है ब्रीफली डिस्कस किए गए हैं, तो इसलिए इस टेबल को हम पहले थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर एक लेयर है एक टेबल में, दूसरे में हाइट दिया गया है फ्रॉम अर्थ सरफेस, नेक्स्ट कॉलम में जो है टेम्परेचर दिया गया है इन सेल्सियस, और लास्ट कॉलम में जो है कंपोनेंट के कौन से लेयर में कौन सा जो है कंपोनेंट पाया जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो है हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, 0 से लेकर 11 किलोमीटर अबाव जो है, यानी अर्थ सरफेस से लेकर अबाव 11 किलोमीटर तक एरिया जो है इसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसमें टेम्परेचर रेंज है हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जो है -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसमें टेम्परेचर ऊपर जो है वो डिक्रीज होती है, इसलिए ये नेगेटिव लैप्स रेट को शो करते हैं। लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, जो लेयर जो है ज़मीन के सबसे करीब होते हैं उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये कहाँ पर जो है ख़त्म होता है? एंड्स एट द ट्रोपोपॉज, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है उसकी बाउंड्री या उसके जो हद होती है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, अपर एज ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये इसका रेंज जो है अभी हमने डिस्कस किया 11 to 50 किलोमीटर है, इसमें टेम्परेचर रेंज है -56 to -2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होती है, इसलिए दिस शोज पॉजिटिव लैप्स रेट। इसका जो मेजर कंपोनेंट होता है, अच्छा ये लेयर कहाँ पर होता है? लेयर अबाउ द ट्रोपोस्फेयर होता है, कंटेन द ओजोन लेयर एंड एंड्स एट द स्ट्रेटोपॉज, और जहाँ पर ये ख़त्म होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। थर्ड नंबर है मीजोस्फेयर। मीजो का मतलब होता है मेडल, ठीक है, जिस तरह आप बायोलॉजी में मेजोफिल पढ़ते हैं। इसका रेंज 50 किलोमीटर से लेकर जो है 85 किलोमीटर पर मुहित होता है, इसमें टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, और दिस इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, -2 से लेकर -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। क्लियर, यानी टेम्परेचर हाइट के साथ जो है डिक्रीज होती है, तो ये नेगेटिव लैप्स रेट को शो करता है। ये लेयर कहाँ पर? लेयर अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होता है उसे मीजोस्फेयर कहते हैं, और इसकी जो बाउंड्री है उसे कहते हैं मीजोपॉज। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है ये इसका रेंज 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर पर मुहित है, इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो -92 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत गर्म जो है रीजन या एरिया है,
इसमें टेम्परेचर जो है वो -92 से जो है लेकर 1200 यानी इंक्रीज़ होती है, पॉजिटिव लेयर प्लेट्स को शो करता है। कहाँ पर होता है? लेयर अबाउ द मीजोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर होता है और ये एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। क्लियर? थर्म का मतलब होता है हीट और स्फेयर जो है रीजन या एरिया को कहते हैं। क्लियर? ये था डियर स्टूडेंट जो है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर ग्राफ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है। टेम्परेचर वेरिएशन जो है, टेम्परेचर वेरी करता है विथ डिफरेंट रीजन जो है। फिर ये नेक्स्ट टाइम और इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है कोरोना की वबा से जो है महफूज रखें, और साथ साथ दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को तमाम दुनिया से जो है ख़त्म करें। आमीन। थैंक यू।